हेलो, वेलकम टू कैडिन। इस वीडियो में हम ये ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और सेक्शन साइड व्यू हमें यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमें ड्राइंग को ज़्यादातर समझने में मदद करता है। तो हम चलते हैं अपने वर्किंग स्पेस पे। तो ये है हमारा 3D वर्किंग स्पेस, जो कि यदि आप 3D वर्किंग स्पेस पर नहीं हैं तो आसानी से गियर आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करके आप 3D वर्किंग स्पेस में आ सकते हैं। ड्राइंग बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि ड्राइंग को किस साइड से बनाएं। तो इस ड्राइंग को यदि हम साइड व्यू से बनाते हैं तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लगभग सभी पोर्शन को हम कवर कर लेंगे। ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों को कवर करके हम ड्राइंग को बनाएंगे। यदि हम प्रॉपर साइड व्यू को देखते हैं तो हमको केवल और केवल आइसोमेट्रिक ड्राइंग का ये पोर्शन दिखाई देगा, जिसमें कि एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है 20 और एक इनर सर्कल है जिसका रेडियस है 20। इस ड्राइंग में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये इनर सर्कल का रेडियस या फिर डायमीटर क्या है, तो हम इसका डायमीटर मान लेते हैं 5 mm है, सॉरी इसका रेडियस मान लेते हैं हम 5 mm है। और इस ड्राइंग में एक और कमी देखने को मिलती है, यदि हम इस पोर्शन को, इस रीजन को देखें तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो 10 दी गई है, लेकिन यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसकी जो डायमेंशन है वो 15 दी गई है। तो यदि हम सेक्शन फ्रंट व्यू को देखते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 है, तो हम ये डिस्टेंस 10 लेकर ही चलेंगे। तो चलिए इस ड्राइंग को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लेफ्ट व्यू से इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं, तो हम लेफ्ट व्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। हम पहले इस रेक्टेंगल बॉडी को बनाएंगे जिसकी चौड़ाई है 20 mm एंड लंबाई है, ये देखिए ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ है 20, तो यानी कि ये पूरी डिस्टेंस होगी 40। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 40x20 का। रेक्टेंगल बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ से रेक्टेंगल कमांड चूज करेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे 40, 20। आगे हम इस इनर सर्कल को बनाएंगे जिसका सेंटर पॉइंट इस सरफेस से 20 ऊपर है, तो ये सर्कल इस मिड पॉइंट के सेंटर पे है, इस मिड पॉइंट के सेंटर से 20 ऊपर है। तो फिर हम इसको, इस सर्कल को वहाँ पे बनाएंगे। हम यहाँ से सर्कल कमांड में सेंटर रेडियस चूज करते हैं और इस रेक्टेंगल के सेंटर पे आके लाइन को ट्रैक करते हैं। ये ग्रीन लाइट जो है हम इसको ट्रैकिंग लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस देंगे हम 20, इंटर कर देंगे। तो देखिए जो सर्कल हमारा तैयार हो रहा है, सर्कल का सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 20 है। तो हम मान के चल रहे थे कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 5 mm होगा, तो यहाँ पे हम 5 इंटर करते हैं और फिर से इसी सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल तैयार करते हैं जिसकी रेडियस है 20 mm। तो सर्कल बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ से सर्कल का मन चूज करेंगे और यहाँ पे रेडियस देंगे 20, इंटर करेंगे। अब एक लाइन द्वारा हम इस
सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ से लाइन कमांड चूज किया। देखिए हम यहाँ पे सर्कल के क्वाड्रेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन पे आते हैं, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग को ऑन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट ठीक नहीं है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हम इसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस लाइन को इस लाइन से इस पॉइंट से मिला लेते हैं। सिंपली वही काम इधर भी करेंगे, इसको इससे से मिला देंगे और आगे हम इस सर्कल को ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए सिंपली हम अपने कीबोर्ड में TR डबल इंटरफेस करते हैं, उसके बाद इसको हम ट्रिम कर देते हैं। इसके बाद हम अपने ड्राइंग को देखते हैं। इस रीजन की लंबाई है 80 mm, तो हमको इस रेक्टेंगल को प्रेस पुल करना होगा 80 mm। एंड ये इस प्लेट की जो थिकनेस है ये है 10 mm, तो इन दोनों प्लेटों की जो थिकनेस है वो 10 mm है, जो कि इस सरफेस पे 20 मीटर दूर है, इस पॉइंट से 20 mm दूर है, सॉरी 22 mm दूर है। तो चलिए इस पार्ट को हम प्रेस पुल करते हैं। प्रेस पुल करने से पहले हम अपने व्यू को चेंज करेंगे और यहाँ से आएंगे हम SW आइसोमेट्रिक में। यदि हमको इस ग्रीड मोड से कोई भी परेशानी होती है तो सिंपली अपने टॉगल कीज ऑप्शन से यहाँ पे हम ग्रीड मोड को ऑफ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से प्रेस पुल कमांड चूज करते हैं और इस रीजन को सेलेक्ट करके डिस्टेंस देते हैं 80 mm और एंटर करते हैं। इस प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो इस प्लेट को सेलेक्ट करके और इसकी थिकनेस देते हैं 10 mm। ये प्लेट इस सरफेस पे इस पॉइंट से 20 mm दूर, 22 mm दूर है, और जो सेकेंड प्लेट होगा वो इस पॉइंट से ये इधर 22 mm दूर होगा। तो हम सिंपली इस पोर्शन को कॉपी करते हैं, कॉपी के लिए CO Enter, इस पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सो हम सिंपली इस पोर्शन को इधर 20 mm मूव कर सकते हैं लाइक दैट, एंड सिंपली फिर से हम मूव कमांड का यूज करके इस पॉइंट को इस पार्ट को सेलेक्ट करके मूव कमांड से हम इसको 20 mm इधर की तरफ मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए M Enter एंड सेलेक्ट द पॉइंट एंड ड्रैग 20 mm 22 mm इंटर। तो हम देखते हैं कि ये दोनों प्लेटें अपने अपने स्थान पे आ चुकी हैं। अब हम ये पोर्शन तैयार करेंगे जो कि यहाँ पे स्लॉट दिख रहा है, जो कि है यहाँ पे इसकी डायमेंशन 10 mm दिखाई गई है और इसकी डायमेंशन जो है वो 15 mm दिखाई गई है। यदि 10 और 15 को जोड़ते हैं तो 25 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा जो ये इसकी हाइट है वो 20 mm है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी ये जो रीज़न है वो 10 mm है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं सेक्शन फ्रंट व्यू से कि ये जो रीज़न है इसका हाफ है ये रीज़न, ये तो हम उसकी उसको 10 mm डिस्टेंस देते हैं।
तो हमको स्लॉट जो बनाना है इस सरफेस पे बनाना है, लेकिन अभी जो हम अपने कोई भी स्केचेस बनाएंगे तो वो इस सरफेस पे बनेगा। तो हम सरफेस को चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ये और सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम एबल हैं इस सरफेस पे कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए। तो हम सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसका डायमेंशन है, ये पूरी जो लेंथ है हमारी 80 mm है, और इस रीजन की लेंथ और इस रीजन की लेंथ सेम टू सेम है, 15 mm एंड 15 mm। तो यदि 15 + 15 करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 30, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 50 mm। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी जो कि होगा 50/10 का। तो यहाँ से हम सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको मूव करते हैं और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे हम इसको ड्रैग करते हैं और वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब हम सिंपली इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे प्रेस पुल कमांड, इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे और क्लिक करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा ये पोर्शन पूरा कट चुका है। अभी हमारी ये ड्राइंग जो है वो सभी ड्राइंग के पार्ट अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सिंपली हम इसको एक करने के लिए यूनियन कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम अपने यूनियन टूल कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सभी पार्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना होता है। अब देखिए हम अपने सभी पार्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं और अपने जो अनवांटेड 2D स्केचेस हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं। तो इसको इरेज कर सकते हैं, कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा ये पार्ट बन के तैयार है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इस 3D आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम कैसे तैयार कर सकते हैं और किस आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।